तो दोस्तों एक बार फिर से वेलकम बैक टू आवर सिविलियन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब कभी भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं घर, आप अपना घर बनाना चाहते हैं कभी भी, चाहे आप खुद का घर हो या दूसरे का घर हो, चाहे आप कॉन्ट्रेक्टर हो या सिविल इंजीनियर हो या फिर घर खुद बना रहे ऑनर हो, तो दोस्तों उस सबसे पहले जो है घर बनाने से पहले जो है आपको 5 चीज़ें करना होता है, जो उसमें से जो 2 चीज़ कंपलसरी है जो आप उसको करने के बाद ही आप घर जो है बनाना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर करते हैं। उससे क्या होता है कि सबसे अच्छा जो है प्रॉपर तरीके से घर बनता है, घर बन के जो है रेडी होता है। तो देखते हैं आज का जो है टॉपिक है वही कंस्ट्रक्शन। फाउंडेशन करने से पहले जो हम लोग एलिवेशन में देखते हैं, सबसे पहला हाउस प्लान। तो दोस्तों क्या करते हैं जो हम लोग सबसे पहले घर को बनाने से पहले जो हम लोग हाउस प्लान बनाते हैं 2D, उससे क्या होता है कि हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग का घर जो है बनने के बाद इस तरीके से जो है बनेगा, और इस एरिया में ये सब जो है प्लान रहेगा, इस यहाँ पे बेडरूम रहेगा, यहाँ पे किचन रहेगा, जो है आप जो है 2D प्लान जो है आप बना के जो है आप पता कर, सबसे पहले पता आपको हो जाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ होने वाला है, ये रूम यहाँ पे होने वाला है। उसको जो है आप सिविल इंजीनियर से करवाइए, और सिविल इंजीनियर नहीं बनाता है तो उसको जो है आपको 1 स्क्वायर फीट में जो है 3 से 5 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है उसका खर्च लेता है हाउस प्लान 2D बनाने में। ये हो गया पहला प्रोसेस। दूसरा जो है दोस्तों स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि आपका जो घर बनेगा दोस्तों तो कितना मजबूती बनेगा, वो कितना दिन तक टिका रहेगा, उसके लिए जो हम लोग स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका कॉलम कितना लोड सहेगा, तो कितना आपका कितना फ्लोर बनेगा, उसके लिए कॉलम का कितना चौड़ाई होगा, कितना मोटाई होगा, उसके साथ आपको कौन सा सरिया देना है, मटेरियल कैसा यूज करना है, उसके लिए जो है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का मतलब है कि आपका जो डिज़ाइन है वो मजबूती से बनाना है और जो है सही तरीके से। तो उसके लिए जो है आपको प्लान के बाद जो है आपको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है आपको बना लेना है। उसका खर्च आएगा दोस्तों 4 से 10 रुपया पर स्क्वायर फीट में आपका खर्च आता है। इससे जो क्या होगा कि आपका जो घर है सही तरीके से सही मायने पर और सही लोड बेयरिंग करके जो है घर बनेगा, लोड कैलकुलेट करके। तीसरा टॉपिक आता है एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है दोस्तों, एलिवेशन में क्या होगा आपको जो है घर सीधा सामने से दिखाई देगा कि घर इस तरह का बनेगा, वॉल इतना ऊंचा रहेगा, इस कलर का होगा, इस तरीके से जो आप देख सकते हैं। उसके बाद है 3D मोड। 3D मोड में क्या है दोस्तों कि आप 3D में जो है ऊपर से देखते हैं कि कैसा लगेगा, साइड से देख सकते हैं कैसा लगेगा, नीचे से देख सकते हैं कैसा लगेगा, इस तरीके जो है 3D मोड जो है बनेगा। तो 3D एलिवेशन का लेता है 3 से 5 रुपये पर स्क्वायर फीट, और 3D मॉडल जब बनाइएगा आप घर बनने से पहले तो उसमें जो है आपको 4,000 से 5,500 रुपया पर व्यू लेगा। उसमें एक व्यू बनता है कि आप फ्रंट साइड, टॉप साइड और जो पूरा प्लान का जो है एक व्यू बनेगा, तो इसमें 4 से 5,000 रुपये जो है पर व्यू लेगा। उसके बाद है दोस्तों एस्टीमेशन। अब दोस्तों सबसे जो है इम्पोर्टेंट बात है कि हम घर बनाएंगे तो उसका खर्च कितना आएगा। मान लेते हैं कि 1,000 स्क्वायर फीट बनाएंगे तो उसका खर्च कितना आएगा, तो उसको जो है एस्टीमेशन करने के लिए सब घर बनाने से पहले एस्टीमेशन निकालने के लिए जो है सिविल इंजीनियर निकालता है एस्टीमेशन इंजीनियर, तो वो जो लेता है उसका एस्टीमेशन निकालने का 4 से 8 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो एस्टीमेशन निकालने के बाद आपको पता चल जाए कि हम 1,000 स्क्वायर फीट में हम घर बनाएंगे तो उसमें मेरा कितना खर्चा पड़ेगा, 9 लाख या 12 लाख खर्चा पड़ेगा। अगर आपको पहले ही पता चल गया तो आप उसी अनुसार जो है आपका बजट होगा और उसी बजट के अनुसार जो है आप घर बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये जो फ़ायदा है आपका एस्टिमेशन कॉस्ट का। लेकिन अगर आप घर बना रहे हैं तो सबसे पहले हाउस प्लान और 2D और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है ये दोनों आपको करना ही करना है। ये दोनों को जो आपको कभी भी भूल से किए बगैर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करना, नहीं तो आपका जो है बहुत ही नुकसान हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या होगा। और ये तीनों जो है आपका ऑप्शनल है, आप इससे चाहे तो बना सकते हैं या फिर ना चाहे तो ना बना सकते हैं। तो इसका जो दोस्तों 2D प्लान जो है पहले बना लीजिए तो पता चल जाए कि घर कहाँ होगा, रूम कितना होगा, कौन सा साइड में कौन सा रूम होगा और कहाँ प्लान होगा। तो उस तरीके से आप सही तरीके से आप बना लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि घर इस तरीके से बनेगा। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है दोस्तों इससे पता चलेगा आपको कि आपका लोड कितना रहेगा, कितना फ्लोर बनेगा, उसी के अनुसार जो है उसका डिज़ाइन होगा। लोड कैलकुलेशन करके डिज़ाइन बनेगा, उसको कहेंगे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। तो दोस्तों अगर आप घर बना रहे हैं तो इसको फॉलो कीजिए ताकि आपका घर जो है प्रॉपर मायने से एकदम अच्छे तरीके से बने। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे अप टू डेट। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।